गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, आज हम लेसन नंबर 17 अपना काम स्वयं करें के मौखिक प्रश्न और भाषा कौशल का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो इसके लिखित प्रश्न है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अपना काम स्वयं करें, कहानी में आपने क्या जाना कि व्यक्ति को अपना काम खुद करना चाहिए, हमेशा दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप दूसरों पर निर्भर रहोगे तो आपका काम भी अच्छे से नहीं होगा और आपका समय भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए हमें हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए, अपने काम जो भी हमें खुद करने चाहिए, किसी को बार बार अपने काम के लिए नहीं बोलना चाहिए। ये हमने लेसन में जाना, छोटी सी कहानी भी थी लेसन में। एक किसान है, उसके खेत पर एक पेड़ पे चिड़ियाओं का घोंसला है, पेड़ के कारण फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। अब किसान क्या करता है, अपने गांव में मजदूरों को ढूंढता है लेकिन उसे मजदूर नहीं मिलते। फिर वो उसकी पत्नी कहती है आप पास के गांव से मजदूर ले आओ, फिर वो वहां जाता है वहां से भी मजदूर नहीं मिलते। अब चिड़िया के क्या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो घोंसले में रहते हैं। वो किसान और उसकी पत्नी की बात सुनकर किसे बताते हैं, चिड़िया को और अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को वो बताते हैं जब वो दाना लेने चले जाते हैं। जब शाम को वो लौट कर आते हैं, जब वो बताते हैं तो कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, तुम आराम से रहो, हम दाना लेकर आते हैं। लेकिन जब बच्चे कहते हैं, तीसरे दिन ये कहते हैं किसान और उसकी पत्नी ने आज ये कहा है कि कल हम अपना काम खुद करेंगे और इस पेड़ को हम स्वयं ही काटेंगे, स्वयं यानी खुद ही काटेंगे। तो इससे क्या होता है, जो चिड़िया होती है कहती है कल तो अब हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पक्षी है, वो भी समझते हैं जब व्यक्ति ठान ले कि हमें अपना काम खुद करना है तो वो काम पूर्ण जरूरी ही पूर्ण होता है, पूर्ण होता है जरूर। तो ऐसे ही होता है कि जब हम दूसरों पर अपना काम डालते रहेंगे, दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो आपका काम भी पूरा नहीं होगा और आपका काम भी पूरा नहीं होगा और आपके समय की भी क्या होगी, बर्बादी होगी। अब हम देखते हैं लेसन के माध्यम से मौखिक प्रश्न। पेड़ पर कौन रहते थे? पेड़ पर चिड़िया व उसके बच्चे रहते थे, ठीक है ना। पेड़ पर चिड़िया व उसके बच्चे रहते थे, वो बहुत छोटे छोटे थे। और जब चिड़िया के बच्चों ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी आए और इस पेड़ को कटवाने के लिए बोल रहे हैं, तो चिड़िया ने कहा कि तुम डरो मत, अभी कुछ भी नहीं होगा। खेत में कौन आए थे? खेत में किसान और उसकी पत्नी आए थे। खेत में किसान और उसकी पत्नी आए थे किस लिए? अपने खेत को देखने के लिए। क्या किसान को पेड़ काटने के लिए मजदूर मिले? नहीं, किसान को पेड़ काटने के लिए मजदूर नहीं मिले। फिर उसने क्या निर्णय लिया कि अब ये पेड़ मैं खुद ही काटूंगा। उसके बाद आप देखिए आपके भाषा कौशल के हैं, जैसे धैर्य का मतलब होता है धीरज रखना। क्या होता बेटा? धैर्य का मतलब धीरज रखना। तो जो इसके समान अर्थ वाला शब्द है धैर्य का मतलब धीरज है, धीरज को अपन राइट करेंगे। किसान, श्रमिक या कृषक, किसान का मतलब क्या होता है? कृषक। जल्दी का मतलब होता है शीघ्र। दीर्घ का मतलब होता है लंबा, तो क्या होगा? शीघ्र। उसके बाद देखिए गांव, ग्राम या फिर कस्बा, तो क्या होगा? ग्राम। गांव का मतलब क्या होगा? ग्राम। ये आपके इसके समानार्थ वाले शब्द है, इसी तरह आपको अपनी कॉपी में करना है बॉक्स बनाकर। ये आपके मौखिक प्रश्न है, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में आप इस वर्क को करेंगे। हैंडराइटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपकी दो एक्सरसाइज इस लेसन की और बची है, एक तो आपके ये लिखित प्रश्न उत्तर बचे हैं और एक ये, ठीक है। दो एक्सरसाइज है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी। आप अपना रेगुलर वर्क जो वीडियो में दिया जा रहा है ये वर्क आपको रेगुलर करना है। अगर आप रोजाना अपना वर्क करेंगे तो आपका वर्क पेंडिंग भी नहीं रहेगा और वर्क आपका बहुत अच्छा भी होगा और एग्जाम में भी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। लेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लेसन का नाम है अपना काम स्वयं करें। लेसन का नाम क्या है? अपना काम स्वयं करें, यानी दूसरों पर डिपेंड हमें कभी नहीं रहना चाहिए, निर्भर हमें कभी नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छा लेसन है आपका बेटा ये। लेसन में देखो
बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। ये देखो, ये किसान का खेत है, ये उसकी पत्नी, किसान और उसकी पत्नी, ये चिड़िया व उसके बच्चे हैं। सारे चित्र के माध्यम से ये देखो अब दाना लेने जा रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि कहीं हमारे पीछे से पेड़ काट दिया तो वो मना कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से रहो। लेकिन जब किसान और उसकी पत्नी दोनों निर्णय कर लेते हैं कि अब हम इस पेड़ को खुद ही काटेंगे, स्वयं ही काटेंगे, तो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। लेसन बहुत अच्छा है। लेसन में आप सभी बच्चे भूख ले लें, जिनके पास भूख नहीं है, लेसन को वीडियो में देखने के बाद आप खुद भी एक बार घर पे रीडिंग किया करो। इसके शब्दार्थ मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था। अब आप इसके मौखिक प्रश्न और एक भाषा कौशल का क्वेश्चन आपको करना है। थैंक यू बेटा।